वीडियो में देखने वाले अपने फेसबुक में अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन में फेसबुक डबल बना चुके हैं, डबल अकाउंट बना चुके हैं, तो अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। अकाउंट को डिलीट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस हमारी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहेगा। अगर आपको वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में देखने वाले अपने फेसबुक में दूसरे किसी का अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। फेसबुक के दूसरे का अकाउंट डिलीट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस हमारी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहेगा। यहाँ देख सकते हैं आपको फेसबुक ओपन देखने को मिल जाता होगा। जैसे आप फेसबुक ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा मेरा एक आईडी है। इस आईडी को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, इस आईडी को हम यूज नहीं करते हैं। इस आईडी को डिलीट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस हमारी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करेगा। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ सेटिंग देखने को मिल जाएगा। जस्ट डिलीट करने के लिए आपको थ्री लाइन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आप जाइएगा तो एक सेटिंग देखने को मिल जाए, सेटिंग एंड प्राइवेसी। आप वहाँ पर जा सकते हैं और जस्ट आपको यहाँ पर भी आपको सेटिंग का एक आइकन मिल जाएगा, वहाँ पर भी सेटिंग पर क्लिक कर लेते हैं। जस्ट आपको सेटिंग में जैसे क्लिक करते हैं फिर सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आपको सेटिंग को चूज कर लेना है। चूज जैसे ही कर लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ बैक कर लेते हैं, ओके क्लिक करके यहाँ पे एक आपको यहाँ पे सेटिंग देखने को मिल जाता है सी ऑल अकाउंट मैनेजर। जस्ट उस पर सी ऑल अकाउंट मैनेजर पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने का देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, जो भी आपका अकाउंट है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखने के बाद आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाता है प्राइवेसी एंड अकाउंट, यहाँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आपको क्लिक कर दे रहा है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे क्लिक कर देख सकते हैं ऐसा यहाँ पे कुछ डिलीट करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे हम लोग बैक कर लेते हैं, बैक करने के बाद आपको एक पर्सनल अकाउंट पे डिटेल पे क्लिक करेंगे। पर्सनल एंड डिटेल पे आपको यहाँ पे जस्ट आपको दो नंबर में फर्स्ट नंबर में देखने को मिल जाएगा पर्सनल डिटेल। जस्ट पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सेकेंड नंबर में देखने को मिल जाएगा अकाउंट ऑनरशिप कंट्रोलर, यहाँ पे आपको जस्ट उस पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही क्लिक करने दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ डीएक्टिव डिलीशन और यहाँ मिनरल सेक्शन। यहाँ डिलीट हम लोग करना चाहते हैं परमानेंटली, जस्ट हम डिलीटिव एंड डिलीशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट है यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिलीट अकाउंट, यहाँ डीएक्टिव अकाउंट। मैं डीएक्टिव करना चाहते हैं डीएक्टिव भी कर सकते हैं, यहाँ डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। हम लोग डिलीट करना चाहते हैं जस्ट हम लोग डिलीट को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने में हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आप अपने क्यों डिलीट करना चाहते हैं, आपको कोई भी आपको यहाँ सेटिंग दे सकते हैं। यहाँ हम लोग कोई भी क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे एक यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे नीचे आप देखिएगा तो कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करें जो भी आपका फेसबुक का पासवर्ड होगा यहाँ पासवर्ड अपना डाल दें। हम अपना यहाँ पासवर्ड डाल लेते हैं, देख सकते हैं आप हम अपना यहाँ पासवर्ड डाल लिए हैं। डालने के बाद जस्ट आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपको पता नहीं है तो फॉरगेट यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फॉरगेट भी कर सकते हैं। हम लोग पता है तो जस्ट हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं फाइनली हम लोग का डिलीट अकाउंट का यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डिलीट अकाउंट का। जस्ट हम लोग यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं आ चुका है। जस्ट हम लोग यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे। डिलीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जस्ट आपको सिलेक्शन एक्सपायरी, जस्ट हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने में कुछ देर आपका देर के बाद जो भी आपका अकाउंट होगा यहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा और जो भी आप में अकाउंट होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऐसे ही अपने फेसबुक का जो अकाउंट है डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।